सत्तू लिट्टी चोखा और पिड़किया जिसके लिए बिहार को जाना जाता है। तालियों के साथ बहुत स्वागत आप लोगों का। गोपालगंज की जनता आज यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम मुद्दे जानेंगे उनके, लेकिन इस बहुत खास स्वागत के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज तक लिखा हुआ है पिड़किया से। अंदर आपको पता है ऊपर मैदा और चाशनी है, अंदर में खोआ है। खोया ही है ना भाई? अंदर खोआ है, खोआ 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 डाला हुआ है। थोड़ी देर अभी रुकना पड़ेगा खाने के लिए। लोगों से बातचीत करते हैं, चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव? बस नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। क्यों? नहीं, उनके कार्यों को 10 वर्षों में जो उन्होंने भारत का विकास किया है, और ये विकास जो है भारत के हर कोने में जाइए तो उनका विकास दिखता है। जैसे हमारे यहाँ 250 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर बन रही है, कई रोड पुल पुलिया बने हुए हैं, सारे गांवों में हर जगह हर तरह, जैसे पूरा गोपालगंज ODF है, शौचालय पूरे गोपालगंज में बहुत से लोगों 50,000 लोगों को शौचालय मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और आगे भी किया जा रहा है। आप लोग बताइए आप क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि 2005 के पहले गोपालगंज सारण में 12 फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसमें हथुआ डालडा फैक्ट्री था, मीरगंज सुगर फैक्ट्री, मीरगंज डिसलरी फैक्ट्री, गोपालगंज का भी फैक्ट्री बंद हो गया, पचरुखी मिल बंद हो गया, सिवान सूता फैक्ट्री बंद हो गया, मढ़ावरा जो है सो टॉफी मोटरन फैक्ट्री बंद हो गया। लालू जी के राज में कुछ काम नहीं हुआ। जब ये तो ग्रे जिला है उनका, लालू जी और राबड़ी जी का, रेल मंत्री हुए गोपालगंज का, तो गोपालगंज को उपेक्षित कर दिए, छोटी लाइन का छोटी लाइन रह गया। जब से NDA की सरकार हुई, नरेंद्र भाई मोदी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए, तब से इस जिला को गोपालगंज के विश्व के मानचित्र पर लाया गया है, सैनिक विद्यालय दिया गया। ये मुस्लिम इलाका है खास करके गोपालगंज सिवान, और माई समीकरण नाम देने वाले लालू जी, यहाँ एक चरवाहा विद्यालय बना, एक मदरसे में एक ईटा उन्होंने लगवाने का काम नहीं किया, और ऐतिहासिक जगह है ये, उनका जन्मभूमि है, किसी तरह का कोई काम उन्होंने किया है तामीरी, तो यहाँ RJD के लोगों को ये बताना चाहिए कि कौन सा काम उन्होंने किया है। आज़ादी के बाद अगर अल्पसंख्यक समाज के लिए किसी ने काम किया है तो उनका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं, आप लोग बताइए। नीतीश कुमार जी वाकई बेहतर काम कर रहे हैं, और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 18 सालों से बिहार को प्रगति के पथ पे लेके जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार का काम काफी सराहनीय रहा है, और बच्चियों लोग में पढ़ने लिखने का भी काम सराहनीय रहा है, इसलिए हमारा बिहार जो है काफी पिछड़ा हुआ था। हम लोगों को ये भी पता नहीं था कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, अब तो लग रहा है कि हाँ रोड है। क्या लग रहा है कि रोड में गड्ढा है? नहीं, रोड में गड्ढा नहीं है, रोड है, रोड में रोड है। आप लोग बताइए पीछे से आइए। हम लोग माने जॉब से माने हम लोग का होश आया है, उसके पहले हम लोग सोचते थे कि पूरा बिहार जंगल राज से पीड़ित था, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में इस जंगल राज से मुक्ति मिल गया है हम लोग को। आप लोग बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं? नगर परिषद से कौन है आप? हमारा यही डिमांड है, जिसकी भी सरकार बने कम से कम यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए गोपालगंज में एक एम्स का निर्माण हर हाल में होना चाहिए, एक एम्स का निर्माण होना चाहिए। हम लोग फिर मतलब 4 जून 400 पार के लक्ष्य के लिए, मैंने हम लोग मैंने जो मोदी जी का सपना है कि मैंने भारत को परम वैभव पहुंचाना है, सारे युवा सारे किसान सारे सभी लोग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं इस काम में। मैडम, देश के भविष्य सुरक्षित जिन हाथों में हो, हमें उन्हीं को वोट करना है, और इस बार 400 पार करना है, मोदी जी की सरकार फिर से बनानी है। राष्ट्र अगर सुरक्षित ना हो तो रोजगार होकर क्या है, रोजगार ही दे दिया जाए, और राष्ट्र सुरक्षित ना हो, आज प्रशासन को पूरे बॉर्डर पर गोली चलाया जाता था और मार दिया जाता था, आतंकवादियों मार देते थे, और कोई खड़ा होकर बोलने वाला नहीं था, चाहे वो किसी भी दल कर लेता हो, केवल भाजपा ही बोलती थी, और भाजपा ही को जिताना है, और किसी भी क्या करते हैं हम, व्यवसाय है, किस चीज का? आरओ का व्यवसाय है, आरओ का व्यवसाय जी जी जी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित जी, वही रहेंगे। ठीक करेला, हम रिटायर बने सर, रिटायर हो गए। आपको क्या लगता है? ठीक है, मोदी जी बहुत बढ़िया है, मोदी जी जी देश के लिए, मोदी जी बढ़िया, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, अरे जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोदी जी जी, मोदी जी, नीतीश कुमार। गोपालगंज की धरती पे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, कि क्योंकि आप गोपालगंज की आवाज बन के दिल्ली में पहुंचाएंगे, तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो सभ्य एयरपोर्ट
है वो जब एनडीए की सरकार में आलोक कुमार सुमन जी थे उसको आवाज उठा के और ये उसमें उड़ान योजना के तहत गोपालगंज में अभी तक लगभग 3-4 दशक से कोई सांसद रिपीट नहीं हो पाया है नहीं, नहीं, और आलोक कुमार सुमन को इस बार फिर से टिकट दिया गया है तो जीतेंगे कैसे? बिल्कुल 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 एनडीए पूरे एकदम 405 के साथ इस बार